कभी बॉक्स ऑफिस पर हिट की गारंटी रही माधुरी और संजय दत्त की जोड़ी कई सालों बाद एक बार फिर रूप पहले पर्दे पर एक साथ वापसी कर रही है। ये जोड़ी करण जौहर की मल्टी स्टार फिल्म से वापसी कर रही है। बता दें कि हाल ही में करण ने अपने ट्विटर पर इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया। फिल्म का नाम कलंक रखा गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट का नाम भी लिखा हुआ है। जी हाँ, फिल्म में माधुरी और संजय के अलावा वरुण, आलिया, सोनाक्षी और आदित्य रॉय कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगे। काफी दिनों से खबरों का बाजार गर्म था कि संजय दत्त माधुरी के साथ काम नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया है, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है। बता दें कि फिल्म कलंक 1940s की एपिक ड्रामा पर बेस्ड होगी। इस फिल्म को अभिषेक वर्मन डायरेक्ट करेंगे, तो वहीं फिल्म को करण जौहर और साजिद नाडियावाला प्रोड्यूस करेंगे। ये फिल्म 19 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। वैसे आप संजय और माधुरी की जोड़ी को सालों बाद देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।